हम जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस की जो नई टीम बनी है, आज सब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी पार्टी का, हमारे सीनियर लीडर्स में मुख्य रूप से हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट अलका लांबा जी, हमारी जम्मू कश्मीर की प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट शमीमा रैना जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार सुलवानी साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हम आज सभी महिला कांग्रेस की जो बहनें हैं, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक धन्यवाद देने के लिए सभी लोगों का, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स का, जिन्होंने हम सब पर ये विश्वास जताते हुए हमें पार्टी में ओहदे दिए। आज यहाँ पे मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स, मेरे साथ मेरी बहन सुषमा जी, संतोष जी, अनु जी वाइस प्रेसिडेंट्स के रूप में, और हमारे साथ हमारे जितने भी महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज और हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, आज हम सब यहाँ पर जो है अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने देश को पहली प्रेसिडेंट महिला जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने दी, पहली प्रधानमंत्री महिला कांग्रेस पार्टी ने दी, और हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है वो महिलाओं को लेकर हमेशा आगे रही, महिलाओं के लिए जो नीतियाँ थी वो हमेशा जो प्रो लेडीज़ प्रो फीमेल, आज जितने भी देखें, अगर आज हम जो महिलाओं को दिक्कतें आ रही हैं, कभी कांग्रेस पार्टी में जो थी ऐसी समस्याएं नहीं थी, तो आज हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे, हमें बल दे, ताकि जो पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी हम सब उस पर खरा उतरें और अपनी बहनों का, अपनी समाज में जितने भी ऐसे कोई मसले हैं, कोई उनकी जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं, एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं, जो उनके लिए हम उनकी आवाज़ बन सकें और उनके समाधान कर सकें।